सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय है। इस विषय की जो तीसरी इकाई है पाठ्यक्रमानुसार यानी खंड ग की पाठ्य पुस्तक है सरयू। इस सरयू में दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग चल रहा है, गद्य भाग का पाठ आलोपी। यद्यपि इस पाठ की मूल पाठ की जो व्याख्या है वो मैंने पूर्व की वीडियो में आपको करवाई है, और अब इस वीडियो में अपने इसी आलोपी पाठ गद्य भाग का जो आलोपी पाठ है इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू जो पाठ्य पुस्तक है इस पाठ्य पुस्तक के आलोपी पाठ को निकालें और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पहला प्रश्न देखिए बेटा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है, किसी भिखारी के प्रति चार विकल्प दे रखे हैं, क्रोध, उपेक्षा, करुणा, श्रद्धा। इन चारों में से जो सही है वो लेखिका ने जैसे पाठ में बताया है वो तो यहाँ क्रोध। दूसरा प्रश्न, अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दोहाई देने वाले आलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था, लेखिका ऐसा क्यों मानती है? यहाँ भी चार विकल्प आपके सामने, जो सही है वह है ख, वह नेत्र न होने के बावजूद कार्य करना चाहता। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। इसके बाद में अति लघुतरात्मक, ये वो प्रश्न होते हैं बेटा जिनके उत्तर हमें एक वाक्य या एक पंक्ति में देने होते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या एक देखिए, आलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की, किसने की थी बेटा? शब्द आता है इसके लिए उत्तर में रसना, और रसना का मतलब होता है जीभ। तो नेत्रों के अभाव की पूर्ति वो बोल करके यानी जीभ से कर लेता था, जीभ ने कर दी। प्रश्न संख्या थे लघुतरात्मक की दो, आलोपी देवी कदाचित उस सूम के समान थी, उस कंजूस देवी के समान जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है प्रसिद्धि पाने के लिए। इन पंक्तियों द्वारा दानदाता की किस मनोभावना पर व्यंग्य किया है? प्रश्न को समझना बेटा, व्यंग्य कटाक्ष, दानदाता वे लोग, दानवीर ऐसे दानवीर, दान देने वाले लोग जो हृदय से किसी का भला करने के लिए दान नहीं देते हैं बल्कि अपना नाम कमाने के लिए, यानी ख्याति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। यहां हम लिख सकते हैं मतलब इन पंक्ति दानदाता की किस है, दानदाता की यश पाने की लिप्सा पर है व्यंग्य किया गया है। प्रश्न संख्या तीन, तुम कौन सा काम कर सकते हो पूछे जाने पर आलोपी ने अपने किस कार्य का प्रस्ताव रखा? लेखिका ने उससे पूछा भी तू अंधा तो है, अंधा होकर क्या काम कर सकता है, कौन सा काम करेगा? तो उसने कह दिया था कि लेखिका यानी कि आपके लिए और छात्रावास की बच्चियों के लिए जो ताज़ा तरकारियां है, ताज़ा तरकारी ताज़ा और सस्ती तरकारी नित्य पहुंचाया करूंगा मैं, यानी सब्जी लाने का जो काम था उसके बारे में उसने बता दिया। ताज़ा और सस्ती सब्जी लाने का जो काम था उसके बारे में बता दिया। तो ये तीन अति लघुतरात्मक प्रश्न थे बेटा। अब आगे आते हैं
लघुचरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर कम से कम 25-30 शब्दों के अंदर हमें देने होते हैं, तो ये अति लघुचरात्मक से थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये कुल 5 प्रश्न हैं। इनमें पहला प्रश्न, भिखारी का स्वर सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? भिखारी का स्वर सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया थी? लेखिका प्रचंड गर्मी में अपने कक्ष के अंदर बैठी थी, लिखने पढ़ने का जो भी वो काम कर रही थी, बाहर से हल्का सा किसी के बोलने का यानी भिखारी का स्वर है वो सुनाई पड़ा, तो भिखारी का स्वर सुनकर लेखी की क्या प्रतिक्रिया है? यानी एक तरह से लेखिका ने किसी का, अभी तक उसे पता नहीं है कि वो भिखारी है, किसी अनजान व्यक्ति का जो स्वर है वो उसने सुना था, और के बाद में पहले तो सोचती है न उठूं, और फिर उठने का विचार करती है। पहले तो उसके मन में आया कि न उठूं, आने वाला है वो ऐसे समय पर आया है, ये कोई भीख मांगने का समय नहीं है, गलत समय है, और आने वाले को ऐसे समय का जो दंड है वो जरूर मिलना चाहिए, यानी सजा है वो मिलनी चाहिए। उसने देखा या सोचा कि कोई भिखारी अगर आया है तो उसको अगर मैं लौटाती हूं तो ये मेरी ऐशिष्टता होगी। अगर द्वार पर कोई भिखारी आ गया है और उसको बिना कुछ लिए दिए यहां से अगर मैं उसको लौटा दूंगी तो ये मेरी अपने आप में ऐशिष्टता होगी, ये कोई सभ्यता वाली बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब यहां जो चीज सामने आती है वो यह है कि भिखारी की जरूरत की अपेक्षा लेखिका में अपनी शिष्टता का ख्याल ज्यादा था। भिखारी की जरूरत की अपेक्षा स्वयं की खुद की जो शिष्टता थी, शिष्टता जो थी उसका ख्याल लेखिका को ज्यादा था, और यह सब सोच करके जो वो लिखने पढ़ने का काम कर रही थी उसको छोड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया, और द्वार पर जाकर के उसको पुकारने लगी, उससे बातचीत करने लगी। इस तरह से आ बेटा, ये मतलब लेखिका की प्रतिक्रिया है, तो प्रश्न पूछा है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। आगे प्रश्न है बेटा, हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी नहीं कह सकते, स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की उलझी हुई जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, जीवन का जो हमारा घटनाक्रम है उसको व्यक्त नहीं कर सकते। दीनहीन वर्ग, कमजोर दुर्बल जो तबका है समाज का, और संपन्न वर्ग की जीवन कथा, एक तरफ तो यही दीनहीन गरीब तबका, और दूसरी तरफ वो वर्ग जो संपन्न है, अमीर है, धनवान है, साधन संपन्न जो है, इन दोनों वर्गों के जीवन की कथा का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखिका के जो विचार है वो बताने हैं। यानी एक तरफ तो दीनहीन गरीब असहाय दुर्बल कमजोर वर्ग, और दूसरी तरफ संपन्न वर्ग है। इन दोनों वर्गों के जीवन की कथा का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखिका के जो विचार है वो क्या है, क्या टिप्पणी की है, क्या बताया है लेखिका ने इन वर्गों के जीवन को लेकर के। हमने पाठ पढ़ा था, पाठ में ये बात आई थी बेटा सामने कि दीन, अंतर बताते हुए दोनों वर्गों का, कि दीनहीन वर्ग का जो जीवन होता है वो खुली किताब के समान होता है। खुली किताब का मतलब यही है बेटा, जब चाहे आदमी उस किताब को पढ़ सकता है, खोल करके उसके अंदर जो कुछ लिखा होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये किसी प्रकार से इसी दीनहीन गरीब वर्ग का जीवन है, इसमें छुपाने लायक कुछ नहीं है, इसमें दोराव नाम की कोई चीज नहीं होती, ये जैसा बाहर से दिखाई देता है वैसा ही अंदर से होता है, जैसा अंदर से है वैसा ये बाहर
अपने व्यक्तित्व के अंदर प्रकट करता है। इसलिए ये खुली किताब के समान है। इसमें दोहराव दुराव छिपाव नाम की कोई चीज नहीं है, यानी दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। ये नहीं है असल में कुछ और है और दिखाने में कुछ और है, जबकि ये बात तो हमारे ऊपर लागू होती है। हमारी जो वास्तविकता या जीवन की सच्चाई है वो तो कुछ अलग है, और बाहर जब हम दुनिया के सामने आते हैं तब दूसरे रूप के अंदर आते हैं। ये दोहराव हो गया है, ये लुकाव छिपाव वाली बात हो गई है, जबकि इस वर्ग में इस प्रकार की कोई लुकाव छिपाव वाली बात है नहीं है, यानी दोहराव ये चीजें नहीं है। संपन्न वर्ग होता है, अमीर होता है, धनाढ्य होता है, साधन संपन्न जो लोग होते हैं उनकी असलियत, उनकी सच्चाई, उनकी वास्तविकता कुछ और होती है और बाहर कुछ दिखावे के अंदर अलग होती है। ये जो अपने जीवन के अंदर शालीनता लेकर के आते हैं, यह शालीनता जो प्रकट करते हैं, यह शालीनता वास्तव में शालीनता नहीं, ये केवल और केवल दुनिया वालों के दिखावे के लिए होती है। यानी यूं कहें कि यह शालीनता इनकी केवल मात्र दिखावे के लिए होती है, दिखावा ज्यादा करते हैं, जबकि जो दिखावा करते हैं उसके अनुसार इनका जीवन होता नहीं। इसलिए दिखावा इनके जीवन में दिखावे के प्रदर्शन के लिए ज्यादा है। दीनहीन वर्ग का जो जीवन होता है वो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, रुकावट के अपने जीवन की कथा है वो कह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। चाहे स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की मन की, चाहे वो व्यथा है, पीड़ा है, प्रसन्नता है, खुशी है, जो जैसा वो अनुभव कर रहा है उसी रूप के अंदर वो बाहर है उसकी अभिव्यक्ति है वो भी कर देता है, उसमें दिखावा नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन संपन्न वर्ग के जीवन के लिए ये सब काम, ये सारे जो काम है वो इतने आसान है नहीं है, इनमें अंतर है। तो इस प्रकार से बेटा जैसा मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का, लघुकरात्मक का जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर लिख सकते हो। फिर आगे देखिए बेटा प्रश्न संख्या 3, आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, लेखिका ने किस आशय से ऐसा कहा? आज के पुरुष का पुरुषार्थ, पूरा जो पुरुषार्थ शब्द है इसमें, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें आती है, लेकिन मूलतः हम पुरुषार्थ का परिश्रम से लेते हैं। विलाप एक तरह का रोना है। तो लेखिका ने प्रश्न किया कि आज के पुरुष का, वर्तमान युग का जो इंसान है उसका जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ विलाप है। लेखिका ने किस आशय से ऐसा कहा है? लेखिका ने इस चीज को अनुभव किया है, महसूस किया है कि वर्तमान युग के अंदर आज का जो इंसान है, ये संपन्न वर्ग के जो लोग हैं, ये दोहरे आचरण वाले जो लोग हैं, इनकी जीवन की वास्तविकता कुछ और है, दिखावे में कुछ और है। और जहां ये दोहराव वाला जीवन आ जाता है तो जीवन के अंदर कर्तव्य निष्ठा नहीं होती है, जबकि इस वर्ग के अंदर, निम्न वर्ग में कर्तव्य निष्ठा होती है। तो लेखिका ने अनुभव किया है कि आज का जो पुरुष है वो कर्तव्य निष्ठ नहीं है बेटा, परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है बेटा, कामचोर है वो, आलसी है, अकर्मण्यता है उसके जीवन के अंदर। जबकि इस वर्ग के जो लोग हैं, लोपी जैसे निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो कर्तव्य निष्ठ है, ईमानदार है। अब आलोपी जैसा पात्र है, कर्तव्य निष्ठ है बेटा। गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा, आंधी, यहां तक सांप्रदायिक दंगे भी होती हैं समाज में, उनकी परवाह नहीं करता, जान जोखिम में डाल करके तय समय के ऊपर सब्जी वो पहुंचाता है लेखिका के पास और छात्रावास में। तो ये चीज क्या दिखाती है? यही दिखाती है कि वो कर्तव्य निष्ठ है, परिश्रमी है, मेहनती है। इसके अलावा आज के जो लोग हैं वो कर्तव्य निष्ठा का अभाव, परिश्रम करने का अभाव है। इसके अलावा आज के जो पुरुष हैं वो बिना परिश्रम के,
बिना मेहनत के जीवन बिताना चाहता है। सोच उसकी यही है कि मुझे मेहनत न करनी पड़े, काम न करना पड़े। और इसी चीज के चलते हुए वो अपने अभावों की, दोषों की शिकायतें भी करते हैं। इन्हीं बातों के चलते इस वर्ग के जो लोग हैं वो अपने अभावों की और व्याप्त जीवन में उनके जो निराशा है उसकी शिकायतें भी करते हैं। इस प्रकार के जो लोग है वे हर समय दुनिया का रोना रोते रहते हैं। मैडम, दुनिया के अंदर अपना रोना है, अपना दुखना है, वो रोते रहते हैं। विलाप रोने से होता है। रोता वही है जो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता है, जो चुनौतियों को झेल पाने में अपने आप को अक्षम पाया जाता है, वह व्यक्ति रोता है। तो वर्तमान युग के व्यक्ति के जीवन की जो ऐसी अवस्था है, ये हालात है, उसको देख करके लेखिका ने उसके रोने पीटने को पुरुषार्थ बता दिया। आज का जो पुरुषार्थ व्यक्ति है उसका, जहां उसको मेहनत करनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जीवन के प्रति गंभीर होना चाहिए, वहां वो क्या अपना रहा है? ये रोना धोना अपना रहा है। इसी रोने धोने को ही उसका क्या मान लिया? लेखिका ने पुरुषार्थ मान लिया। होंगे होंगे बेटा इस प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद में प्रश्न संख्या लघुरात्मक की क्या, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए बेटा, गिरा ए नैन नैन बिन बाने, लेखिका इन शब्दों को किस संदर्भ में ठीक मानती है? गिरा ए नैन नैन बिन बानी, लेखिका इन शब्दों की संदर्भ में ठीक मानती है, सही मानती है? तो इनका देखिए बेटा, लेखिका के पास आलोपी आता है और आलोपी आकर के लेखिका से काम करने के लिए कहता है, और वो हर समय लेखिका के छात्रावास और लेखिका के पास हरी ताजी व सस्ती सब्जियां हैं, वो नित्य वहां पहुंचाता है बेटा, ये उसका नित्य क्रम है। यद्यपि नैन नहीं है उसके पास, नेत्र नहीं है, अंधा है, लेकिन नेत्र नहीं थे वो पीछे आया ना बात बड़ा कि उसकी वाणी की पूर्ति रसना ने कर दी, लेकिन उसके पास वाणी का वैभव है, ये कह सकते हैं हम। नेत्र नहीं है, अंधा है, लेकिन उसके पास वाणी का वैभव उसको प्राप्त था। अपने फूफेरे भाई रघु के मार्गदर्शन में रोजाना वो छात्रावास में आता रहता है, और जो छात्रावास में जब दोनों छात्र जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां आकर के उनको घेर लेती है, वो उनके लिए विनोद का केंद्र बन जाते हैं, यानी हंसी मजाक उनको लेकर के वहां बच्चियां करती रहती है। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया के अंदर जो लोपी है वो सब जो छात्रावास की बच्चियां हैं उनका वो प्रिय बन जाता है। तो इस संदर्भ के अंदर लेखिका ने ये बात कही है, गिरा ए नैन नैन बिने बाने। फिर अगले प्रश्न देखिए बेटा, लेखिका को यह विश्वास क्यों है कि आलोपी बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा? पूर्ण आलोपी के घटनाक्रम को शुरू से लेकर के पहले दिन जो आया था उसके बाद में उसका अंत हो जाता है, आलोपी के जीवन के संपूर्ण घटनाक्रम को लेखिका ने अच्छी तरह से देख परख लिया है, पहचान लिया है। तो अब लेखिका आगे जो उसके जीवन को लेकर के लेखिका को एक तरह का विश्वास हो जाता है, वो कहती है क्यों विश्वास है कि आलोपी बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा? एक अंधा जिस तरह से ईमानदारी के साथ तय समय पर कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहा है, उसी तरह से वो
इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उसका जो तय स्थान है उस पर वो बिना भटकाव के पहुंचेगा, ये विश्वास है। तो सबसे पहले अलोपी लेखिका के पास वैशाख महीने की जो दोपहरी होती है उस दोपहरी के अंदर लेखिका के पास पहुंचता है, उसके द्वार पर जाता है, अचानक पहुंच जाता है लेखिका के पास। अकस्मात से लेखिका के पास वैशाख महीने की एक दोपहरी के अंदर वो अचानक वहां पहुंच जाता है। अब वो वहां क्यों पहुंचा? क्योंकि अलोपी को उसके जो ताऊ थे उन्होंने लेखिका के बारे में अलोपी के आगे जिक्र किया था। एक तरह से अलोपी ने अपने ताऊ से लेखिका के बारे में बहुत कुछ उनकी प्रशंसा आदि है वो सुनी थी बेटा, और प्रशंसा सुनने के बाद में उसे उम्मीद उसके मन में जगी हुई होगी कि मुझे वहां काम मिलेगा, इसी काम की आशा या इसकी तलाश में बिना किसी से मार्गदर्शन लिए हुए, बिना किसी से पूछे हुए वो लेखिका के पास पहुंचने में सफल होता है। तो अब इस प्रकार से लेखिका को ये पता चल चुका है कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, और उसको पूरा करने के लिए यह हमेशा प्रयासरत रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में डगमगाते नहीं हैं, इनके कदम इधर उधर नहीं पड़ते हैं। अब एक अंधा आदमी होता है वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन सूझबूझ के द्वारा रघु का सहारा पा करके और लेखिका के पास पहुंचना, फिर वाणी के द्वारा लेखिका को प्रभावित करना, काम से प्रभावित करना, ये सारी जो बातें हैं ये यही बताती है कि ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा ही अपने आप में सशक्त होता है, ठोस होता है, दृढ़ होता है। ऐसा व्यक्तित्व कभी भी विचलित नहीं होता है, मार्ग से डगमगाता नहीं है। हमारे भीतर और इनके भीतर बहुत अंतर होता है बेटा। हम चलते चलते अपने कदम इधर ले जाते, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाते, उधर ले जाएंगे, क्योंकि हम मतलबी और स्वार्थी होते हैं, चतुर होते हैं। हमारे जीवन में दोहराव होता है, दोगलापन जिसको कहें बेटा, और इनके जीवन में ऐसी चीज नहीं होती है बेटा। तो इस प्रकार से लेखिका को पूर्ण विश्वास हो गया कि अलोपी है, वो बिना भटके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये थे बेटा इस पाठ के प्रश्न, पहले वस्तुनिष्ठ, उसके बाद में आते लघुतरात्मक और अब लघुतरात्मक। तो ये लघुतरात्मक तक प्रश्न आपके पूर्ण हो चुके हैं, और अगली वीडियो के अंदर हम इससे आगे निबंधात्मक जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।